वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अदीबा। सो आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पनीर। पनीर को हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस। मैरिनेशन से हमारा पनीर फीका फीका नहीं लगेगा और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए टाइम भी दे सकते हैं, या फिर आप हैंड टू हैंड भी फ्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हैंड टू हैंड फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है एक पैन। पैन के अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने पनीर के क्यूब। स्टार्टिंग में आपको पनीर के क्यूब को स्पून की हेल्प से नहीं चलाना, वरना पनीर टूट जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हमें इस तरीके से इसे खिलाना है। जब पनीर के क्यूब सेट हो जाएंगे तब हम इन्हें स्पून की हेल्प से चलाएंगे और गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। हमने लिया है वापस से वही पैन। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। हमने यहाँ पे लिए 7 से 8 काले मिर्च, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। ये कुछ आम साबुत मसाले हैं, इन्हें भी हम डालकर फ्यू सेकेंड्स के लिए सॉटे करेंगे। जब ये सॉटे हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की रफली चॉप्ड अनियन। तो रफली चॉप्ड अनियन को हम इसके अंदर डालकर एटलीस्ट 2 मिनट तक इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। पहले हम अनियन डालेंगे। 2 मिनट बाद जब आप देखें थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 रफली चॉप्ड टोमेटो यानी टमाटर। तो 2 रफली चॉप्ड हमने यहाँ टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से हम सॉटे करेंगे, जब तक कि जो हमारा प्याज और टमाटर है वो गलेंगे नहीं। तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, जिससे प्याज और टमाटर जल्दी गल जाएंगे। तो 6 से 7 मिनट बाद हमारे प्याज टमाटर गल जाएंगे। हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर गलाया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी के जार के अंदर और इनका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये फाइन पेस्ट बन चुका है। तो अब हमें लेनी है अपनी कढ़ाई। कढ़ाई पनीर के लिए कढ़ाई तो मस्ट है, तो मेक श्योर कि आप कढ़ाई का ही यूज़ करें। आप चाहे ना नॉनस्टिक कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब हम इन तीनों को अच्छे से सॉटे करेंगे। अब हमने लिए यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने क्यूब्स में कट करा है। पहले हम शिमला मिर्च को डालेंगे, केयरफुली डालें। शिमला मिर्च को डालकर हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। आप चाहें तो दोनों के एक साथ भी डाल सकते हैं, बस शिमला मिर्च जल्दी सॉटे नहीं होती है और ये जल्दी नहीं गलती, तो इसलिए हम पहले शिमला मिर्च डालेंगे और बाद में प्याज। तो शिमला मिर्च हम सॉटे कर लेंगे अच्छे से। 1 मिनट बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी प्याज और प्याज को भी हम अच्छे से सॉटे करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी सॉटे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मिनट बाद अपने टमाटर प्याज का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर शिमला मिर्च और प्याज को निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ मसालों के साथ ही इन्हें भुनने देंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच हल्दी और 1/2 टेबल स्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार। नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमें इन्हें जब तक फ्राई करना है जब तक हमारा जो ऑयल है वो सरफेस पे नहीं आ जाता। ऑयल सरफेस पे आने पे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। 5-6 मिनट बाद ऑयल सरफेस पर आ गया है तो अब हम इसके अंदर अपने पनीर के क्यूब्स को ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून चॉप्ड धनिया पत्ती डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो पनीर डाल के हमें ज़्यादा देर पकाने की नीड नहीं है क्योंकि हमने पहले ही पका लिया था। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक कर पकाएंगे। तो हम इसे ढक कर बस 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसे बंद कर देंगे गैस को।
तो रेडी है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। ऊपर से मैंने इसे धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर दिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू शेयर एंड डू कमेंट। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।